जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गाओ नवा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। गुड मॉर्निंग बियाना। जस्ट आई नरेट फ्यू सक्सेस स्टोरीज इन माई प्रोफेशनल करियर। आई स्टार्टेड माई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रैक्टिस इन 2003। सो वॉट हैपेंड, मेरे पापा, माई फादर इज ऑल्सो ए लॉयर। सो आई स्टार्टेड माई करियर विथ हिम। फॉर 5 ईयर्स आई वॉज इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो उनके गुरु जी, हिज टीचर केम एज अ क्लाइंट। तो उनका प्रॉब्लम ये था, उनकी जो बेटी थी वो नाबालिग थी एंड शी वॉज गेटिंग मैरिड। सो वी वॉन्टेड टू स्टॉप द मैरिज। तो वेरी रेयरली वी गेट्स केसेस। अब किसी की शादी रोकना बहुत मुश्किल है एक्चुअली, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड अनएक्सेप्टेबल। बट वॉट हैपेंड, हम जब स्कूल में थे, एवरीबडी वी हैव लर्न अबाउट चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ये बहुत इंग्लिश रूल में एक कानून था। तो मैंने वो देखा कॉमेंट्रीज में, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि क्रिमिनल कोर्ट में ये मैटर चलते। तो चाइल्ड मैरिज में क्या होता है कि इफ इट इज नाबालिग अगर है तो 18 साल के अंदर थी वो लड़की, 16 ईयर्स, हमें वो रोकना था मैरिज। तो उसमें इंजंक्शन के पावर्स है, रोक लगाने के पावर्स। ये नॉर्मली सिविल कोर्ट रोक लगा दिया, बट उस एक्ट में, पुराने एक्ट में वो मुझे मिला, विच आई रेड इन हिस्ट्री बुक्स। हमने भी पढ़ा था वो शायद। तो वी फाइल्ड एन एप्लीकेशन, द सीजेएम वाज एंटरटेनिंग दैट मैटर। तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट होता है वो, तो उन्होंने कहा, देशपांडे साहब, ये तो बहुत रेयरली मैं देख रहा हूँ। तो पापा ने कहा, यस माय लॉर्ड, ये मेरे बेटे ने ढूंढा हुआ है, एंड एक्चुअली ही गॉट एन वी गॉट एन इंजंक्शन ऑर्डर। शादी रुक गई, एंड सेकेंड थर्ड डे मैटर गॉट कॉम्प्रोमाइज।